बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर पहुंची सीबीआई की टीम। जमीन के बदले नौकरी देने का मामला। तेज प्रताप यादव भी आवास पर मौजूद। प्रयागराज में उमेश पाल शूटआउट कांड का एक और आरोपी ढेर। विजय उर्फ उस्मान चौधरी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। आरोपी पर 50,000 रुपए का था इनाम। अभी पताल के नीचे भी घुस जाएंगे तब भी उन्हें खोज करके और उनको जो दंड दिलाने का काम है वह निश्चित तौर से यूपी पुलिस करने में सफल होगी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का हमला। बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, राहुल ने विदेशी धरती पर किया देश का अपमान। हैदराबाद में फिल्म की शूटिंग के दौरान घायल हुए महानायक अमिताभ बच्चन। एक्शन सीन के दौरान पसलियों में लगी चोट। शूटिंग छोड़कर लौटे मुंबई। ब्लॉग पर दी जानकारी। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की सीबीआई रिमांड का आज आखिरी दिन। राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी। बजट में स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान पर वेबिनार को पीएम मोदी का संबोधन। 150 से ज्यादा नए नर्सिंग होम बनाने के साथ फार्मा सेक्टर को बढ़ाने पर भी चर्चा। भारत की अप्रोच सिर्फ हेल्थ केयर तक ही सीमित नहीं बल्कि हम एक कदम आगे बढ़कर वेलनेस के लिए काम कर रहे हैं। केरल के कोच्चि में कूड़े के ढेर में लगी आग ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। धुएं ने आसपास के कई इलाकों को अपनी चपेट में लिया। प्रशासन की लोगों से घरों में रहने की अपील। दुष्कर्म मामले में इमरान खान पर फिर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। रात से ही घर के बाहर जुटे समर्थक। टीवी पर इमरान खान की हेडलाइंस चलाने पर एआरवाई न्यूज चैनल का लाइसेंस रद्द। वुमेन्स प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स की धमाकेदार जीत। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 60 रनों से हराया। यूपी ने रोमांचक मैच में गुजरात को 3 विकेट से दी मात। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला आज। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर वन न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकित आदोपे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लेकिन सबसे पहले बात करेंगे देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों की। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के घर पर सीबीआई की टीम पहुंची है। सीबीआई की टीम पटना में राबड़ी देवी के आवास पर 10 सर्कुलर रोड पर मौजूद है। राबड़ी देवी अपने आवास में ही मौजूद है। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में सीबीआई की टीम पूछताछ के लिए पहुंची है और इसी मामले में 15 मार्च को लालू राबड़ी और बेटी मीसा भारती की कोर्ट में पेशी भी की जानी है।